नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। पप्पू यादव जो है वो राजेंद्र नगर के इलाके में आए हुए हैं। ये रोड नंबर एक है और यहाँ पर देखिए पप्पू यादव का ट्रैक्टर यहाँ पर डूब गया पूरा का पूरा पानी में, और मैं भी पूरा का पूरा पानी में हूँ। और पप्पू यादव जेसीबी पे जो जेसीबी के आगे जो सामान उठाने वाला हो तो उसमें अब सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी पप्पू यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, पप्पू यादव किस तरीके से जेसीबी पर सवार हो चुके हैं अब, क्योंकि इनका ट्रैक्टर जो है वो बंद हो चुका है, रुक चुका है, और राहत का सामग्री लेकर अब पप्पू यादव जो है जेसीबी पर सवार हो चुके हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगभग 4 से 5 फीट पानी है और लोग जो है किस तरीके से यहाँ पर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लोग बंद हो चुके हैं घरों में क्योंकि लगभग 4 से 5 फीट पानी है और पप्पू यादव अब जेसीबी पे सवार है। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए जेसीबी का भी लगभग जो टायर होता है लगभग यहाँ पर 4 से 5 फीट पानी है और अंदर जाने पे और भी जो जलस्तर है वो बढ़ेगा इसको लेकर। और पप्पू यादव को जिस ट्रैक्टर पर सवार थे वो ट्रैक्टर बंद हो चुका है क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैक्टर पानी में के आगोश में मानो समा गया हो और ट्रैक्टर बंद हो गया। पप्पू यादव ने जेसीबी को बुलाकर और जेसीबी पे सवार हो गए हैं और आगे राहत सामग्री लेकर वो बढ़ चुके हैं क्योंकि पप्पू यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे। और पप्पू यादव ने कई बार लाइव सिटी से बात करते हुए भी ये बात कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, जब तक जान है लोगों की मदद करेंगे। जहां एक तरफ सरकार मदद नहीं पहुंचा रही वहीं दूसरे तरफ आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। सर, सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है क्या? जी, सरकार की तरफ से उतनी नहीं हो पा रही है, पानी नहीं निकाला जा रहा है। पानी बिल्कुल नहीं निकाला जा रहा है। हम लोग 10 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, ना ड्यूटी जा पा रहे हैं, मतलब यही सब है जो व्यवस्था हो रहा है। वोट चल रहा है भगवान के रूप में। पप्पू यादव भगवान के रूप में? जी बिल्कुल। अगर आप जलस्तर की बात करो तो देखिए लगभग मेरे कमर से ऊपर पानी है और हम आगे जा रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव जेसीबी पे सवार है और लोगों को किस तरीके से जो बेसिक नीड्स के सामान है खाने पीने, और जो महिला कार्यकर्ता है जन अधिकार पार्टी की वो महिलाओं को सैनिटरी बांट रही हैं, सैनिटरी पैड्स बांट रही हैं। और यहाँ पर पप्पू यादव को देखिए किस तरीके से, पप्पू यादव ने खुद लाइव सिटी से बात करते हुए ये बात कहा था कि रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, जब तक जान है लोगों को मदद पहुंचाएंगे। पप्पू यादव का ट्रैक्टर जो है वो पानी में रुक गया, पप्पू यादव जो है वो जेसीबी पे सवार होकर लोगों को मदद पहुंचाने अब निकल पड़े हैं आगे की ओर। देखिए पप्पू यादव किस तरीके से जेसीबी पे सवार है और लोग देखिए पप्पू यादव जैसे ही आए लोग जो घर से निकल नहीं पा रहे थे मगर पप्पू यादव जो है लगातार बढ़ रहे हैं आगे। और अब हम देखिए कितना डूब चुके हैं पानी में, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है नगर निगम की विफलता का। लाइव सिटीज तमाम देश आप तक लगातार अपडेट कर रहा है, आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। देखिए जेसीबी पे सवार पप्पू यादव किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं और एक बोतल आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ का जलस्तर बहुत ज्यादा है, लगभग अब 4.5 फीट जो पानी है यहाँ का जलस्तर जो लगभग 4.5 फीट होगा और आगे बढ़े तो और भी होगा। रिक्शा पूरा डूब गया है, वो रिक्शा चालक है जो अपने रिक्शे को किसी तरह मुशक्कत कर वो ला रहा है। लोग किस तरीके से फंसे पड़े हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, बालकोनी में तो छत पर तमाम लोग फंसे पड़े हैं। सर, सरकार के द्वारा कोई राहत सामग्री पहुँचाया जा रहा है? सरकार की तरफ से नहीं, सब NGO से लोग पहुँचा रहे हैं। अच्छा, पप्पू यादव आप लोगों के बीच पहुंचे और लगभग 4 से 5 फीट पानी है यहाँ पर। बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इनके लिए हम सैल्यूट करते हैं। अच्छा, क्या नीतीश कुमार बिहार के मुखिया से चुनाव में सवाल पूछेंगे आप लोग? ये राजनीति की बात तो उतना मैं नहीं जानता लेकिन मैं इनको बहुत इनका फैन हो गया हूँ, इनकी सहयोग के भावना से देख करके फैन हो गए। लोग फैन हो गए हैं और फैन होना भी बिल्कुल चाहिए क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार डटे हुए हैं और देखिए किस तरीके से जेसीबी भी लगभग आधा जो है टायर, आधा से ज़्यादा टायर डूब चुका है और हम भी पानी के आगोश में हैं। और इस पानी की बात करें तो गंदगी ही गंदगी है चारों तरफ, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, उस बीच पप्पू यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। लाइव सिटीज के साथ बने रहें, लाइव सिटीज तमाम देश आप तक लगातार अपडेट करता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।